सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। ओडिशा में पुरी तट के करीब टकराया भीषण चक्रवाती तूफान फोनी। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, समुद्र में ऊंची लहरें, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। ओडिशा में 9 जिलों के 10,000 गांव और 52 कस्बों पर असर की आशंका। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में भी अलर्ट। चक्रवात फोनी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयार प्रशासन। ओडिशा में सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए गए 11.5 लाख लोग। तटीय जिलों में सभी दफ्तर और शिक्षण संस्थान बंद। नौसेना के 3 जहाज और एनडीआरएफ की 50 से ज्यादा टीमें तैनात। ओडिशा और चेन्नई कोलकाता लाइन की 223 ट्रेनें 4 मई तक रद्द। आज भुवनेश्वर की सभी उड़ानें रद्द। प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक कर तैयारियों का लिया जायजा। आचार संहिता उल्लंघन मामले में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट। चुनाव आयोग ने कहा, बाड़मेर की चुनावी रैली में परमाणु हथियार को लेकर प्रधानमंत्री की टिप्पणी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राहुल गांधी के भाषण को लेकर आचार संहिता की शिकायत को भी आयोग ने किया खारिज। विवादित बयान पर योगी आदित्यनाथ को फिर चुनाव आयोग का नोटिस। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के प्रचार के लिए महज 32 घंटे बाकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान के हिंडौन, सीकर और बीकानेर में जनसभाएं। अमित शाह की लखनऊ के अलावा झारखंड में 3 रैलियां। राहुल गांधी मध्य प्रदेश और राजस्थान में करेंगे प्रचार। मायावती की उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर और सिद्धार्थनगर में जनसभाएं। और वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के बाद जैश सरगना मसूद अजहर पर कार्रवाई को मजबूर पाकिस्तान। इमरान खान सरकार ने मसूद अजहर की संपत्ति जब्त करने का आदेश किया जारी। वैश्विक आतंकी की यात्रा और हथियारों की खरीद बिक्री पर भी लगाई पाबंदी। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान फोनी आज सुबह करीब 8:15 बजे ओडिशा के पुरी के करीब तट पर टकराया। तूफान के तट से टकराने के समय हवा की रफ्तार 180 किलोमीटर से ज्यादा रही। लैंडफॉल की प्रक्रिया अगले 3 घंटे तक जारी रहेगी। तूफान के असर से ओडिशा के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। समुद्र में करीब ऊंची लहरें उठ रही हैं। राज्य के तटीय जिलों में भारी बारिश होने और तूफानी लहर का खतरा बढ़ गया है। तूफान की वजह से गंजाम, गजपति, खुर्दा, पुरी और जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, जाजपुर और बालासोर समेत ओडिशा के कई तटीय जिलों के काफी प्रभावित होने का अंदेशा है। ओडिशा तट से टकराने के बाद ये तूफान तटीय ओडिशा के खुर्दा, कटक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, भद्रक और बालेश्वर जिलों के रास्ते पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ेगा और फिर बांग्लादेश का रुख करेगा। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जमीन के संपर्क में आने के बाद तूफान की तीव्रता कम होगी। विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम में लगाए गए डॉपलर मौसम रडारों के जरिए इस चक्रवाती तूफान पर करीबी नजर रखी जा रही है। इनफैक्ट आरटीजीएस हैज़ बीन ट्रैकिंग दिस साइक्लोन सिंस 25th of April। वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग सिंस इट वॉज अ लो प्रेशर सिस्टम व्हेन इट टर्न्ड इनटू अ डिप्रेशन। वी हैव बीन कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग दिस एक्सट्रीम वेदर इवेंट। We are fully prepared. Secondly, RTGS has also informed since a week all the fishermen from on 27th itself not to venture into the sea. All the fishermen in the north coast of Andhra have returned to the shores. No fishing activity is taking place. So we are very much, they are all very much safe. Secondly, we have also issued alerts to the citizens as well. Nearly 7 lakh citizens have been informed through IVRS calls that there is an eventuality of cyclone, heavy winds and
rainfall in their area, especially in the north coast of Srikakulam. There are around 11 mandals mainly where the impact is found to be very high. Ichapuram, Tekkali, Palasa, Mandasa, Sompeta, Vajrapukuturu, Santabommali. There are 11 these 11 Nandigama, these 11 mandals, we find the heavy winds could blow there. तूफान के असर से पुरी समेत पूरे तटीय ओडिशा में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। तटीय ओडिशा के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो रही है। दक्षिणी तट पर गंजाम से लेकर उत्तरी तट में बालेश्वर तक विस्तृत इलाके में 200 से 250 किलोमीटर तक बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में 300 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो सकती है। बारिश और तेज हवा के कारण पेड़ गिर सकते हैं, जिससे सड़क और संचार माध्यम को नुकसान हो सकता है। तूफान से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 19 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं और इन 19 जिलों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। ओडिशा में मौसम विभाग ने फोनी तूफान को लेकर राज्य के सभी जिलों में भारी खतरे की चेतावनी जारी की है। सभी स्कूल और कॉलेजों को अगले आदेश तक के लिए बंद रखा गया है, साथ ही लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। अपील्स टू ऑल द पर्संस हु आर देयर टू स्टे इनसाइड देयर होम एंड नॉट टू पैनिक एट ऑल, बट डोंट कम आउटसाइड बिकॉज देयर वुड बी अ विंड स्पीड, सो इन केस ऑफ एनीथिंग मे हैपन। सो ऑल द सिटीजन्स एंड हु आर देयर इन पब्लिक आर रिक्वेस्टेड टू स्टे इनसाइड देयर होम एंड वी आर गिविंग अ डायरेक्शंस फ्रॉम द SRC दैट ऑल द शॉप्स एंड बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट एंड द कॉलेजेस विल बी क्लोज टुमारो। 302 रैपिड रेस्पॉन्स टीम, इन द रैपिड रेस्पॉन्स टीम वन डॉक्टर इज देयर, वन अटेंडेंट इज देयर, वन फार्मासिस्ट इज देयर। सो इन ऑल द 14 डिस्ट्रिक्ट्स वी हैव मेड अरेंजमेंट्स एंड ऑल्सो एडिक्वेट एंटी स्नेक वैक्सीन्स हैज ऑल्सो बीन केप्ट रेडी इन ऑल दोज हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग द डिसइनफेक्टेंट्स एंड मेडिकल रिलीफ कैंप्स बिकॉज द पर्सन्स विल नॉट बी एबल टू शिफ्ट टू द डिफरेंट प्लेसेस। सो इन दोज विलेजेस ऑल्सो द मेडिकल रिलीफ कैंप्स विल बी देयर, 936 नंबर्स विल बी देयर। और इस समय ज्यादा जानकारी के लिए दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अरुणा ठाकुर हैं हमारे संवाददाता, और साथ ही हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं हमारे संवाददाता पंजन मिश्रा। अरुणा, अगर पहले आपका रुख करें तो ओडिशा के तट पर ये टकरा चुका है चक्रवात, मौसम विभाग फिलहाल क्या जानकारी दे रहा है, कितना समय आने वाला गंभीर नापा जाए और कब इसके कम होने का असर कम होना शुरू होगा, अभी तक क्या अपडेट मिल रहा है इसे लेकर? प्रीति, पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कल इसकी जानकारी जो मिल रही थी वो दोपहर तक की थी, आज दोपहर तक की, लेकिन अभी जो ताज़ा जानकारी है ये 9 से 11 बजे के समय ये कर सकता है लैंडफॉल, और इसका जो प्रभाव है जो आप पूछ रही हैं वो कम से कम 4 से 5 घंटे बताया जा रहा है। तो ये जो 4 से 5 घंटे हैं ये उड़ीसा के तटीय इलाकों के लिए बहुत ही क्रूशियल रहेगा, बहुत ही गंभीर रहेगा। इसलिए ये कहा गया है कि जो भी सरकार जो भी आदेश दे रही है, जो एडवाइजरी दे रही है, उनको फॉलो करें। वहाँ के लोकल लोग, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं, चाहे वो स्टेट अथॉरिटीज़ हों चाहे सेंट्रल अथॉरिटी हों, उनकी तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि ये जो इतना इंटेंस है, मतलब कि जो 99 सुपर साइक्लोन है उसके बराबर का माना जा रहा है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि लोग जो हैं, क्योंकि कैजुअलिटी होना ऐसे तूफान में होना जायज़ है, तो इसलिए ना हो, इसलिए इवैक्यूएशन, जैसे कि 11.5 लाख लोग अब तक जो बताए जा रहे हैं, जो सूचना मिल रही है वो इवैक्यूएशन हो चुका है। और कितनी प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, जैसे कि जो रेशो हमारे पास मिल रही है वो 600 के करीब है, जो हॉस्पिटल सुरक्षित पहुंचा दी गई हैं। राहत सामग्री भी उनको दिलवाई जा रही है और जो ट्रेनें रद्द हैं, तो इस तरीके के जो माहौल बना हुआ है उसके लिए बस ये कहा जा रहा है पैनिक नहीं हुई है और जो एडवाइजरीज है उसको फॉलो करिए। तो जो 4 से 5 घंटे रहेंगे दोपहर तक वो उड़ीसा के लिए थोड़े क्रूशल रहेंगे। तो तटीय इलाकों में ये बोला गया है जो भी एडवाइजरीज है उनको फॉलो करें और जो अपडेट्स हैं उनको हेल्पलाइन नंबर्स के द्वारा उससे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है अरुणा, आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं ओडिशा सरकार ने जीरो कैजुअलिटी यानी ये जनहानि को पूरी तरह रोकने के लक्ष्य के साथ राज्य के 480 किलोमीटर लंबे तट के किनारे कच्चे मकान में रहने वाले 11 लाख से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया है। ओडिशा सरकार द्वारा निकासी को लेकर पहले ही कार्रवाई जारी है।
राज्य सरकार ने तूफान से पीड़ित लोगों के लिए 900 चक्रवात आश्रय स्थल बनाए हैं। वहीं तूफान को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग करके प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की 15 मई तक छुट्टी रद्द कर दी है। स्थानांतरित लोगों को तट पर बने करीब 900 साइक्लोन शेल्टर और अन्य पक्के मकानों में ठहराया गया है। हर शेल्टर में खाद्य सामग्री, पीने का पानी समेत दूसरे जरूरी सामान रखे गए हैं और बड़ी तादाद में स्वयंसेवी तैनात किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर पानी में घिरे लोगों के लिए आकाश मार्ग से खाद्य सामग्री गिराने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भी तैयार रखे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की विशेष हेल्पलाइन 1938 यानी 1938 एक्टिव हो गई है और आपात स्थिति में किसी सहायता के लिए इस पर संपर्क किया जा सकता है। एनडीआरएफ ने 4 राज्यों ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 50 से ज्यादा टीमें तैनात की हैं, जबकि 31 एनडीआरएफ टीमों को स्टैंड बाय पर भी रखा गया है। ये टीमें नाव, पेड़ काटने वाले उपकरणों और दूरसंचार उपकरणों से लैस हैं। बचाव कार्य और तूफान के बाद क्षतिग्रस्त सड़क, बिजली और संचार माध्यम को तत्काल बहाल करने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 28 टीमें और ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स के 20 दल पीड़ित इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में है। भारतीय तट रक्षक बल और नौसेना ने राहत और बचाव अभियानों के लिए जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। और इस समय ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान साहब जुड़े हुए हैं। एसएन प्रधान साहब, शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल जो स्थिति है वो कितना कंट्रोल में कही जाएगी, क्योंकि जो 11 लाख लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है, जगह जगह राहत शिविर भी लगे हुए हैं, कितना पुख्ता तैयारियाँ हैं इस चक्रवात को देखते हुए? देखिए, जहाँ तक तैयारियों की बात है, मेरे समझ से तैयारी तो बहुत पुख्ता है और जितना बन सकता है वो सब कुछ किया गया है। उसमें फायदा ये रहा कि समय रहते 48 घंटे से ज्यादा समय से पहले हम लोगों को पूरी जानकारी आईएमडी ने, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मुहैया करा दी थी, इसलिए तैयारियों के लिए पूरा समय भी मिला और पूरा स्कोप भी था। तो इसलिए राज्य सरकार से समन्वय स्थापित कर हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है और 28 टीमें दिशा में तैनात हैं। 10 और टीम कल रात में उन्होंने SOS से मांगी थी, 20 मांग रहे थे, लेकिन 10 हम लोग मुहैया करा सकते हैं, क्योंकि समय रहते पहुंचने के लिए 10 ही आ सकता है। तो 10 जो है दोपहर तक टीम या शाम तक पहुंच जाएगी और राहत कार्य में वो भी मदद करने लगेगी। तो इस तरह से जो भी तैयारियां हैं वो हम लोगों ने मुकम्मल की हुई हैं। उसमें बोट्स की भी जरूरत थी तो बोट्स भी एक्स्ट्रा मंगाई गई हैं। ट्री कटर्स बहुत कारगर होती हैं साइक्लोन में, क्योंकि पेड़ गिर जाते हैं, पोल्स गिर जाते हैं, तो पोल कटर और ट्री कटर्स इत्यादि मंगाई गई हैं। मेडिकल टीम्स भी हमने पहले ही लगा दी थी और पहले ही इवैक्यूएशन के काम में हम लोगों ने मदद करने की पूरी कोशिश की थी, जिसका मुझे लगता है सफल प्रमाण यह है कि 11 लाख से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया गया है। तो तैयारी तो पूरी है, अब देखने की बात यह है कि चक्रवाती तूफान की कौन सा रूप धारण करता है और कितना विकराल होता है, और उसके हिसाब से हम लोगों को फिर तैयारी और आगे भी करनी पड़ेगी रिलीफ और रेस्क्यू की। बिल्कुल, और प्रधान साहब जैसा आप बता रहे हैं और ओडिशा सरकार ने भी कहा कि जीरो कैजुअलिटी यानी जनहानि को पूरी तरह से रोका जाए, इसके लिए तमाम एहतियात उतार किए गए हैं, और जैसा आप बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहां से निकाला भी गया है। ओडिशा के अलावा अगर और राज्यों की बात करें तो वहां कितना खतरा और वहां किस तरह की तैयारी की गई है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जी पश्चिम बंगाल, जी तीन राज्यों को इसके चपेट में आने की बात कही गई है। तमिलनाडु में इसका प्रकोप अब ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि ये रिकर्व साइक्लोन था, वो घूम गया और उत्तर पश्चिम की दिशा में घूम गया, इसलिए तमिलनाडु पर तो असर बहुत कम के बराबर है। लेकिन जो असर कुछ तटीय जिले आंध्र प्रदेश के हैं, श्रीकाकुलम, विजयनगर, विशाखापट्टनम इत्यादि, वहाँ पर थोड़ा बहुत असर है, वहाँ विंड स्पीड तो है निश्चित रूप से, वहाँ भी करीब 12 टीमें तैनात हैं और 6 टीमें स्टैंड बाई पर हैं।
और जहां तक उड़ीसा का सवाल है, मैंने बता ही दिया कि 28 टीमें प्लस 10 टीम और आ रही हैं और वहां कुछ लोगों को स्टैंड बाई रखा गया है, रिजर्व में भी है और ओड्राफ के साथ काम हो रहा है। और पश्चिम बंगाल का जहां तक सवाल है, वहां पर हम लोगों की 6 टीमें तैनात हैं जो कि जो स्थान चिन्हित किए गए राज्य सरकार द्वारा और 12 टीमें स्टैंड बाई में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सेन प्रधान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अपडेट को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं चक्रवात फोनी के मद्देनज़र कोलकाता चेन्नई रूट पर ओडिशा तटीय इलाके की करीब 223 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि प्रभावित क्षेत्रों में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए 3 विशेष ट्रेन सेवा में लगाई गई हैं। इनमें 140 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें और 83 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। 9 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है, जबकि 4 अन्य ट्रेनों को गंतव्य से पहले समाप्त कर दिया गया है। रद्द ट्रेनों में हावड़ा चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस, पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस, नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा हैदराबाद ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस, भुवनेश्वर रामेश्वरम एक्सप्रेस शामिल हैं। रेलवे ने कहा है कि आपातकाल नियंत्रण विभाग 24 घंटे काम कर रहा है और वो हेल्पलाइन नंबर के जरिए यात्रियों की मदद कर रहा है। किसी भी कर्मचारी को अगले 3 दिन छुट्टी पर नहीं जाने को कहा गया है। पुरी से बंगाल के पर्यटकों को वापसी के लिए 3 स्वतंत्र रेलगाड़ी की व्यवस्था की गई है। पारादीप बंदरगाह को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं भारतीय विमानन निकाय DGCA ने कहा है कि चक्रवात फोनी की वजह से भुवनेश्वर आने और जाने वाली उड़ानें 3 मई तक रद्द रहेंगी। DGCA ने कहा है कि चक्रवात फोनी की वजह से 3 मई रात 9:30 बजे से 4 मई शाम 6 बजे के बीच कोलकाता हवाई अड्डों से उड़ानों की आवाजाही बंद रहेगी। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे पूर्वी तट पर स्थित राज्य भी चक्रवात से प्रभावित हो सकते हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने परामर्श में कहा कि यात्रियों को असुविधा से बचाने और सुरक्षित परिचालन के मद्देनजर उड़ानों को पहले ही रद्द कर दिया गया। परामर्श में कहा गया है कि संबंधित हवाई यातायात नियंत्रण से मंजूरी मिलने के बाद ही उड़ानों का परिचालन शुरू होगा। वहीं नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने चक्रवात फोनी से निपटने के लिए सभी हवाई अड्डे प्राधिकारियों को सावधान रहने को कहा है। सुरेश प्रभु ने ट्वीट करके कहा कि सभी संबंधित प्राधिकार को सावधान करते हुए फोनी चक्रवात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने सभी तटीय हवाई अड्डों को सावधान किया है ताकि सभी एहतियात तत्काल बरते जाएं। वहीं ओडिशा के तटीय क्षेत्र से टकराने के बाद इस चक्रवाती तूफान उत्तर पूर्व की ओर ही आगे बढ़ने के साथ ही धीरे धीरे कमजोर होने और पहले 9 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे और फिर 115 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ इसके प्रचंड चक्रवाती तूफान के रूप में पश्चिम बंगाल में दस्तक देने का अंदेशा है। ऐसी संभावनाएं हैं कि ये चक्रवाती तूफान उत्तर पूर्व की ओर ही आगे बढ़ने का क्रम जारी रखेगा और पहले 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे और फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ इसके एक चक्रवाती तूफान के रूप में 4 मई की शाम बांग्लादेश पहुंच जाने का अनुमान है। विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम में लगाए गए डॉपलर मौसम रडारों के जरिए इस चक्रवाती तूफान पर करीबी नजर इनके जरिए रखी जा रही है। फोनी के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के 8 जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। कोलकाता स्थित मौसम विभाग कार्यालय ने फोनी के मद्देनजर पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर, झारग्राम, दक्षिण और उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली और कोलकाता में हाई अलर्ट घोषित किया है। यहां हालात से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा इस समय पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंचानन, पश्चिम बंगाल में भी आशंका है और खासकर दक्षिण बंगाल में ऐसी आशंका है कि वहां भी जो फोनी है उसका असर देखा जा सकता है। इसके मद्देनजर आप पश्चिम बंगाल में किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं? जी देखिए, उड़ीसा के बाद जो गोपालपुर से टकराया है अभी ये चक्रवात, उसके बाद करीब शाम 5 बजे के आसपास ये इसका पश्चिम बंगाल में प्रवेश हो सकता है और ये मिदनापुर वो जगह है जहां पर ये जो चक्रवात है ये फोनी ये यहां से एंटर करेगा और लगभग 8 से 12 जिले ऐसे हैं जो जिनमें जिसमें अलर्ट को साउंड किया गया है। तैयारियां पूरी तरह कर ली गई हैं क्योंकि 10 साल पहले यहां जो आयला तूफान आया था उससे करीब 300 से ज्यादा लोगों की पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में वहां पर मौत हुई थी।
इसलिए प्रशासन अब इस बार काफी टेक्नोलॉजी से लेकर पूर्वानुमान में भी एडवांस उसने व्यवस्थाएं की हैं और पूरी तरह तैयारी की गई है। स्कूलों को यहां पर बंद कर दिया गया है, साथ ही जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं कलकत्ता एयरपोर्ट के वो आज रात के 9:30 बजे से बंद हो जाएंगे और शाम 6 बजे तक यानी कल तक रहेंगे लगभग 20 घंटे तक। तो और उसके अलावा कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसने जो बिल जो होर्डिंग्स होती हैं सड़कों के किनारे की तेज हवाओं के चलते वो गिरकर उससे कोई घायल या कोई कैजुअल्टी ना हो उनको भी हटाना शुरू कर दिया है। तो कई तरह के एहतियात जो है वो बरते गए हैं, तैयारियां पूरी रखी गई हैं और लगभग जैसे मैंने बताया कि 8 से 12 जिलों के आसपास इसमें असर हो सकता है और जो तटीय इलाके हैं जो चाहे वो काकदीप हो चाहे वो सागर आइलैंड हो उनके आसपास जो अलर्ट साउंड किया गया कि कोई समुद्र में ना जाए, उसके अलावा लोगों को इवैक्यूएशन की भी तैयारियां वहां पर है अगर ये तूफान ज्यादा सेवर होता है और करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। इन सबकी तैयारियां यहां पर पूरी की गई है और ऐसा दिख रहा है कि जैसा दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की थी या राज्य के मुख्यमंत्री ने बैठक करके पूरी स्थिति का जायजा लिया और सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। अरुणा ठाकुर, आपका भी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में तूफान फोनी से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान के मद्देनजर केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को संबंधित राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों के लिए एहतियाती और प्रभावी कदम उठाने का भी निर्देश दिया। इसमें पीएमओ के अधिकारी, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव के अलावा आईएमडी, एनडीआरएफ, एनडीएमए के अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री को तूफान की रफ्तार, दिशा और तैयारियों के बारे में जानकारी दी। और अब बात लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के प्रचार के लिए अब 32 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। इस दौर में 7 राज्यों की 51 लोकसभा सीटों पर 6 मई को मतदान होना है। 6 मई को 5वें चरण में 51 सीटों पर वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 7-7, बिहार की 5, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के 5वें दौर का प्रचार अंतिम चरण में है। सभी पार्टियों के नेता देशभर में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। आज राजस्थान में वो 3 विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री पहले करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के हिंडौन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो सीकर और बीकानेर में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राजस्थान में 5वें चरण में मतदान 6 मई को होगा। इसमें राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण 12 लोकसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज झारखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज झारखंड और उत्तर प्रदेश में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कोडरमा, खूंटी और रांची में जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। झारखंड में 5वें दौर के लिए मतदान 6 मई को होगा और 6 मई को 4 सीटों पर वोटिंग होगी और उसके बाद अमित शाह उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कपूरथला चौराहे पर बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के रीवा में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो राजस्थान के भरतपुर में भी रैली करेंगे। 5वें चरण में मध्य प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर 6 मई को वोट डाले जाएंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज जयपुर में विजय संकल्प संवाद करेंगी। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर और सिद्धार्थनगर में रैलियां करेंगी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। प्रधानमंत्री के खिलाफ राजस्थान के बाड़मेर में चुनावी भाषण के दौरान आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग ने कहा कि बाड़मेर की चुनावी रैली में परमाणु हथियार को लेकर प्रधानमंत्री की टिप्पणी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी सभा में कहा था कि भारत के परमाणु हथियार दिवाली के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए नहीं रखे गए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राहुल गांधी के भाषण को लेकर आचार संहिता की शिकायत को भी आयोग ने खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि जबलपुर में आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया गया।
वहीं विवादित बयान पर योगी आदित्यनाथ को चुनाव आयोग ने फिर नोटिस दिया है और 24 घंटे में जवाब देने को कहा है। कुछ और अहम खबरें। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पुलवामा हमला, जैश ए मोहम्मद ने मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध का एक कारण रहा है। भारत की ओर से सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के सदस्यों के साथ साझा की गई सूचनाओं के आधार पर ही ये कार्रवाई की गई है। अब पाकिस्तान की जवाबदेही है कि सही कार्रवाई करे जो नियम के तहत जरूरी है। विदेश मंत्रालय ने मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने को लेकर किसी भी दूसरे पक्ष की कोई शर्त मानने की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मसूद अजहर को लेकर आए फैसले को कम करके दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसके पास मुद्दे को भटकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर, वी डू नॉट नेगोशिएट विथ एनी कंट्री ऑन टेररिज्म एंड ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। चाइना हैज ऑलरेडी गिवन एन एक्सप्लेनेशन why the hold has been lifted. There are elements being introduced to divert the attention from, and especially from Pakistan, on this huge diplomatic setback which they have suffered. Frankly, they have no choice. They can't welcome the decision. They can't criticize the decision. In both cases, there will be criticism at home for them. So the only option left for them is to kind of pick up some holes which they think exist. और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान कार्रवाई को मजबूर हुआ है। पाकिस्तान सरकार ने मसूद अजहर की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया है, साथ ही यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाने का भी आदेश दिया है और हथियारों की खरीद बिक्री पर भी पाबंदी लगा दी है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोकतंत्र में मीडिया की सशक्त भूमिका पर जोर दिया है और मीडिया से लोकतांत्रिक मूल्यों को दृढ़ करने और शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, कृषि, ग्रामीण विकास जैसे जन सरोकार के मुद्दों पर गंभीर सौम्य विमर्श करने को कहा है। उपराष्ट्रपति ने मीडिया से आग्रह किया कि तथ्यों और पत्रकारिता में वस्तुनिष्ठा के प्रति संकल्पबद्ध रहें, जन सरोकार के हर विषय पर निष्पक्ष बेबाक रिपोर्टिंग करें। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया का दायित्व है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों और हमारी वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता का संवर्धन करें। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज़। नमस्कार।